मोहतरम अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब गडियल मुल्क हो या कोई मुल्क ही हिकड़ो हो, वाणिया पे इतने हुआ अस्सी पे इतने हुआ थी अंग्रेजन की हुकूमत ही डेढ़ सौ साल मर्दूद असाजे मथा हुकूमत कई। अंग्रेजन के दौर में असाज मस्जिदू भी हुई, मदरसा भी हुआ, अस लाउड भी इस्तेमाल कया, अजानू भी डिन्यू, नमाजू भी पढ़ियों, तबली जमात में बिस्तरा खड़ी भालिया थी, बारन के कुरान भी पढ़ायोसी। ये मदरसा, ये मस्जिदू, ये लाउड, ये अजानू तो अंग्रेजन के दौर में भी हुआ। तकलीफ कड़ी हुई पाकिस्तान ठाण की, जरूरत कड़ी असंगे जे बांगू दियनी हुई तो अंग्रेजन के दौर में असा दिन जे असंगे नमाजू पढ़ी हुई तो अंग्रेजन असंगे नमाज का तो कौन चलो नमाजू तो असा पढ़ी पे मदरसा हुआ बारन के पढ़ायोसी पे जरूरत कड़ी पाकिस्तान ठाण की। असंगे एकड़ो चिलकंदड़ चमकंदड़ नारो दिनो हो तो बापा पान मुसलमान है पांजी रहनी कहनी उठन वेहन तहजीब तमदन पांजो निजाम उसूल तरीको सियासत कानून लॉ अदालतू फैसला सब अलग है। वाणियों से पां कें गाल में छूं कोन था, वाणी जो मजहब अलग पांजो अलग होने जो कानून अलग पांजो कानून अलग होने जो लॉ अलग पांजो लॉ अलग उन्हें जो तरीको अलग पांजो तरीको अलग पान वाणी से कें गाल में छूं कोन था। इनके कर अचो तो सब गड़जी टुकर मुल्क जो धार वठो तेमें सब गड़जी पान मुसलमान रहंदी वाणियों के डोड़ा बार कदी पान उत्ते जो को है सो पंजे मजहब कानून कुरान मुताबिक इस्लामी निजाम हलाइंदी जो को मुसलमान जो रस्म रवाज है। असो जी बिस मिला असागे जे कुरान जो कानून तो मिले असागे कोर्टन में अदालतन में थानन में जेकने मोहम्मद मुस्तफा वारो निजाम तो मिले तो वो असागे तकलीफ कड़ी असागे अदन मिलंदो इंसाफ मिलंदो रहमतू इंदू बरकतू इंदू। असागे यो नारो पढ़ायो वठी असा यो यो कयो जेमे लाखों मानू असाजा मारजी वे हलिया नतीजो कड़ो निको तो पाकिस्तान जो टुकर धार वरतोसी वाणी के डोड़ाए कटो जी होदा वो इधर तुम इधर हम वो पंजे मुल्क असी पंजे मुल्क मुल्क वरतोसी इन बांगर दियण ला न नमाजन पढ़ण ला न अदल इंसाफ के बोल के बाला करण के लिए कुरान के निजाम के राइज करण के लिए जो मुसलमान जो तरीके उन अस पाकिस्तान वरत। ये 14 अगस्त 1947 जैसे तुम दिखो होंद तो असाजा हुकुमरान असाजा कामोरा असाजा ऑफिसर 14 अगस्त से झंडो फड़काइंदा कौमी तराने से उथी बीहंदा सलामी वठंदा लड्डू खाइंदा मिठाई विराइंदा आजादी जो ढी आजादी जो मतलब लड्डू खाई आजादी जो मतलब अटेंशन में थी बीहण झंडे की सलामी वठणी। आजादी तो असा 27 रमजान के कदर के ढी मिली कुछ तभी मुसलमान तो तुम्हें मौत तो पवे सत्ता की कदर न था मलायो ये मुसलमान है तो मुसलमान जो तो इस्लामी महीनो रमजान है अल्लाह की मेहरबानी रमजान जो भलारो महीनो उनमें भी वही 27 कदर की रात तक ताकत न लो उनके 27 कदर की रात यौम आजादी मल्हण का तुम कारो नांग तो खाए 14 अगस्त मुसलमानी तहारी अस खबर पाकिस्तान 1947 में ठो थे कि ये 2004 पे हल 57 58 साल गुजरी गया इन मुल्क में कानून भी आयो अदल इंसाफ भी थो कोर्टन में अदालतन में इस्लाम के तहजीब तमदन के रवाज मिलो जो बोल बाला थो वो सभी दिठो 57 साल बिना 60 साल में मानू मरंद मन पाकिस्तान हाँ मरण में टीबी खैवाज खत दाखिल हाँ बाकी 3 साल
मरंदे असाते शांत कौन था कन तो बिरी आन मरे पे एक बार साल बनी आन ही खड़ो ना मुल्लन के अत्र खड़ ना दिजा मरंदे पास आंगे ना था दिन पर मुवल से तो मानु मुफ्त में दिन दो आप इतनी खान उत्तर रहता हमारे घर कदेश 57 साल गुजरिया पाकिस्तान में जो अगले इंसाफ आयो सो तवा दिठो असांगे जगह आजादी मिली केड़ी आजादी है पेरी पेरी आजादी जमीर जी खपे जमीर जी आजादी मिली हो जमीर जस्ती आजाद न हों तो तेस्ती तो जाहिर आजाद न हों इस्लाम चवे तो जमीर आजाद होती तुझे दिमाग आजाद होती तुझी सोच आजाद होती तुझे शूर आजाद होती इस्लाम डंडे के जोर से कदें के मसले के न मंजराई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निमरूद के अगर बीठो दलाल में तो खुदा की तौहीद समझा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कौन चो तो पाए दिस मुझे ला थदी थी मन खुदा है यो दबा दबा के जोर से तौहीद कौन मंज रही इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब जो को आज मारे जियारे थे अल्लाह से उभरने का सजो बारे तो उलांदे लाए तो तू जेकने रब बई तो उलांदे का उभारे देखा दलाल के जोर से दबा ते न नबीन कदे भी कौन जो आऊं इशारो तो करे बिती पूरी बुनी मन तो नमाज फर्ज न मसाइल के नबीन कदे दबा की जरूरत न मनायो दलाइल की जरूरत बुरहान की जरूरत मन गाल समझ में अचे अकल में वेस रजा खुशी से मने इस्लाम कदे दबा न बुध बीबी बरीरा साहब यानी उनके मुड़स हो हजरत मुगीसा ये भी साहब यानी हूं भी साहबी बीबी बरी रही बानी बानी जो उसूल यो तो जेकने बानी निकामी आए कहे पोए जेकने उन बानी के संदस धनी आजाद तो करे विजे तो बानी के इख्तियार आए तो पेरों को निकाह बरकरार रखे या तोड़े इन निकाह के बरकरार रखने या तोड़ जो इख्तियार मर्द के बजाय औरत न हलो तो वने उन सूरत में जड़े तो निकाह में बानी हुई बीबी बरी रानी हुई उनके मुड़स आजाद कर उनके संदस मालिक आजाद कयो हाँ उनको मुड़स मुगीस हो बीबी बरीरे चो आज मुड़स हाँ को रहस वो मुख्य मुड़स कबूल को इस्लाम मुख्य आजादी दिनी है आजाद थियण का इस्लाम मुख्य हक दिनो निकाह बरकरार रखा या न रखा मुझी मर्जी है यो मुड़स मुख्य नो वणे नी रखा आया थी मुगीस के खबर पी दवा बरीरा थी वे मुखे कबूल नथी करे सो रोई दो मदीन के घटी में फिर वे मैं रोई रही रसूल दानी की थी मुंह बुध आ तो बरी मुखे छड़े थी वे मेहरबानी कर समझाओ तो मुखे न छड़े रसूल सलाह बीबी बरी को घराई थी बरी मुंह बुध आ तो तू मुगी से हथ थी कर चिहाओ सही कि उनके उन हथ न कर अरे बीबी बरी जो सवाल दसो सही शरई ऑर्डर हुक्म है या तवाज मशवरो अल्लाह जो रसूल फरमाए मशवरो ये मशवरो तो पाऊं कबूल नथी करया मुखे उमर तो कोन कर इस्लाम में जेका आजादी दिनी है उनते कह भी किस्म जो दबा कबूल नथो करे मशवरे देण वारो नबी हो पर दबा न विधे केड़ी आजादी असा के जमीर जी आजादी मिली है राय जी आजादी मिली असा वोट दियो ना पादर खाईंदा राय जी आजादी ये सैम्बलियों पे भी विकजन पंज करोड़ 10 करोड़ रुपए में एकड़ो वोट तो विकजे स्पीकर की चूंड वजीर अजम की चूंड राय के आजादी से थी ब्लैक मेलिंग होंगी जैके परवेज के वोट दिन से इन पास थी पे हाँ कें पादर खाने सही अभी तुझे पास राय की आजादी मिली है असा के जमीर की आजादी मिली है असा के तैलीम की आजादी मिली है केर तो जी असा के तैलीम की आजादी मिली तमाम कुरान पढ़ो हाफिज पढ़ो उनके तपेदारी मिली कुरान की हाफिज के तपेदारी मिली वाह ये हाफिज उनके तपेदारी दो ये मौलवी है इनके मुख्तियर कर कर रखो ना ना तू कुरान पढ़े मुला हुई ना अल सब कुर्सियों नौकरियों टोकरियों सब फेरे हुन पास रखी कौम के मजबूर कह गए तो कुरान पढ़े न पढ़े तानी मर्जी पर ही जरूर पढ़ जा जिन्हें तो नौकरी कौन मिलती
मजबूर कह रहे कौम की।